गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे, छुट्टी का दिन और डेली रूटीन हमारा स्टार्ट हुआ हेल्दी ड्रिंक बना के। और आज का संडे हमारा जाने वाला है बहुत ज़्यादा बिजी। तुमने कहा था कि इसकी मैं आज कटिंग कराने लेके जाऊँगा। पापा कल करवा के आ गए हैं अपना हेयर कट। हेयर कट कल करवा के आ रखे हैं, देखो बाल। फिर वहाँ पे जाना भी, आपको गुजरात जाना है घूमने, वहाँ पे थोड़ा हेयर कट करवाओगे। कल जाना है डॉक्टर के पास, आईज वाले पे। उठ तो चुकी हो। 5 मिनट्स में उठ जाओ। सरप्राइज गिफ्ट आया आपके लिए, ये देखो सरप्राइज। बिग बास्केट आया। तो बिग बास्केट से आया सरप्राइज गिफ्ट। कहीं से भी आया। आपको मतलब आपको ये क्या है? वो सैंडी देखो, सैंटा ने अपनी फोटो बना के भेजा। वो हो गया मक्का, कुछ सब्जी वगैरह। सब्जी कहने खोल लो, आपके लिए आया। आपने बोला था मेरे को सरप्राइज गिफ्ट चाहिए। सब सीक्रेट सेंटर गिफ्ट है ये। चॉप के बाय। ये क्या? प्लम केक। ये आपके लिए पैनकेक, मिक्स का पैनकेक बना दूंगी मैं। मिल गई आपको सरप्राइज गिफ्ट। आपने बोला था ना मुझे कुछ सरप्राइज चाहिए। पैनकेक मिक्स। मीठा से मिल गया। हाँ। कल आएंगे, क्रिसमस वाले दिन आने चाहिए। अब सुबह आएंगे, दोपहर को आएंगे, रात को आएंगे, ये नहीं पता। ठीक है, चलो इसको संभाल दो, जैसे था वैसे ही रख दो वापस। क्या नीर का तो सरप्राइज गिफ्ट आ गया था और साथ ही में मेरे लिए डिलीवर हो गया था इलेक्ट्रिक चॉपर। इसी ब्रांड का स्लो जूसर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो बस इसी ब्रांड का हमने इलेक्ट्रिक चॉपर भी ऑर्डर कर दिया। हैंड चॉपर ना तो रिलायबल लग रहे थे ना ही यूज़फुल, तो बस इस बार इलेक्ट्रिक चॉपर लेने का ही प्लान किया था। इसका जेन्युइन रिव्यू तो मैं यूज़ करने के बाद ही दे पाऊँगी, लेकिन अभी जो भी पैकिंग एक्सेट्रा है उससे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रहा है। 500 ml के कैपेसिटी वाला ऑर्डर किया था हमने और डबल ब्लेड है ये, जो ऊपर वाला ब्लेड है वो डिटैचेबल है। इसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो बस प्रोडक्ट को एक बार स्विच ऑन करके चला के देखना भी ज़रूरी था। तो जल्दी से इसको अनपैक किया, फिट किया और फाइनली इसको एक बार चला के देखा और बिल्कुल ठीक चल रहा था, मोटर एक्सेट्रा परफेक्ट थी। फाइनली प्रोडक्ट तो ओके टेस्टेड था। सिंपल वाली करा लेना। टोपी पहनो, टोपी टोपी पहनो। खैर नहीं तो चला गया अपना हेयर कट करवाने और मैंने स्टार्ट कर दी थी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस। और आज ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना था पालक पूड़ी, आलू की सब्जी और साथ ही में बूंदी वाला रायता। और आज हमारे घर मिलने आना था विनायक की नानी जी ने और साथ ही में कज़न सिस्टर्स ने, तो बस जल्दी जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर दी थी स्टार्ट। बूंदी वाला रायता तो हो गया था रेडी, तो बस फटाफट से मैंने पालक को कर दिया था ब्लांच, अच्छे से पहले इसको धो लिया था और इसको डाल दिया था एक ठंडे पानी के बर्तन में। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना था, पालक को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसकी एक स्मूथ सी प्यूरी मैंने बना दी थी और नेक्स्ट इस प्यूरी को यूज़ करके मुझे गूंद देना था पूरी वाला आटा। गेहूँ के आटे में मैंने डाला था थोड़ी सी सूजी, नमक, अजवाइन और साथ ही में पालक की प्यूरी और अच्छे से इसको मिला के पालक का आटा गूंद के कर दिया था रेडी। दिखाओ पहले, तभी एंट्री मिलेगी। स्टाइल। फाइनली नीर के हेयर कट का काम भी हो गया था डन, तो बस फटाफट से मैंने स्टार्ट कर दी थी बनानी आलू की सब्जी। बाकी चीज़ें तो सब रेडी थी, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की प्यूरी रेडी थी, आलू भी उबाल लिए थे मैंने, उसको अच्छे से हाथ से फोड़ दिया था, तो बस अब लगाना था तड़का। सरसों के तेल में जीरे और हींग का तड़का लगा के मैंने सारे के सारे साबुत मसाले डाल दिए थे और फिर डाल दी थी टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची की प्यूरी। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, इन बेसिक मसालों के साथ मैंने आज डाला था थोड़ा सा आलू की सब्जी का मसाला। बढ़िया सा तड़का हो गया था रेडी, तो बस इसमें डाल दिए थे मैंने उबले हुए आलू, अच्छे से उसको किया मिक्स और फाइनली इसमें डाल दिया था पानी। पानी डाल के मैंने फ्लेम को कर दिया था एकदम लो, कम से कम 10 मिनट तक इसको पकने दिया और लास्ट में गार्निश कर दिया था हरे धनिया के साथ। तो बढ़िया सी आलू टमाटर की सब्जी हो गई थी रेडी। और आजकल सर्दियां हैं तो सारी की सारी चीज़ें बनने के बाद हमारी चले जाती है कैसरोल में ताकि गर्म रह पाए। नानी जी के अभी आने में तो टाइम था, लेकिन नीर के पेट में चूहे कर रहे थे बहुत ही तेज़ डांस, तो बस उसके लिए फटाफट से मैंने बना दी थी पूरी और उसका कर दिया था ब्रेकफास्ट रेडी। अब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तो कुछ ना कुछ नीर को मज़ेदार सा मिलता ही रहेगा खाने को। विनायक की नानी जी और कज़न सिस्टर्स वीडियो में तो आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता व्लॉग में आने के लिए, लेकिन पंजाब से काफ़ी टाइम बाद उनका आना हुआ था दिल्ली, तो मिलके सभी को बहुत अच्छा लगा।
क्या नीर तो वेट कर रहा था अपने ब्रेकफास्ट की, तो बस फटाफट से पूरीज बन गई थी, रेडी हो गई थी और नीर को मैंने सर्व कर दिया था ब्रेकफास्ट। जिस दिन आलू पूरी बनते हैं नीर को और कुछ नहीं चाहिए साथ में खाने के लिए, कोई रायता नहीं, कोई अचार नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बूंदी का रायता मैंने रख ही दिया था नीर की प्लेट में, शायद खा ही लेगा। ये लो आ गई आपकी पूरी, ये मैंने एक देने के लिए बनाया गिफ्ट के लिए, रख दो आप, ये लो आ जाओ, ये लो जी। जी क्यों लगा रहे हो? मैं सर्व कर रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको जी कह रही हूँ। क्या वो धुआं आ रहा है? और नानी जी हमारे लिए लेके आ गए थे पंजाब की फेमस गुरु नानक बेकरी से नान खताई। यमी यमी नान खताई खाई, थोड़ी देर बैठे, टाइम स्पेंड किया, गरम गरम चाय पी, खाना खाया, तो बस उसके बाद नीर और विनायक तो चले गए थे कज़न सिस्टर्स के साथ मॉल थोड़ा मस्ती करने। मैं भी थोड़ा थकी गई थी तो बस मैंने किया घर पे रेस्ट, और रात को नीर ने बना दिया था बढ़िया सा सरप्राइज सेंटा के लिए। हाँ जी दिखाओ। अरे वाह बहुत प्यारा, ये कितना क्यूट सा बनाया नीर, ये तो प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर बनाया नीर आपने। अब तो सेंटा पक्का खुश ही हो जाएगा ये देख के, आज तो पक्की बात है गुरुजी आपके सेंटा। अरे भगवान जी एक होते हैं, जैसे मर्जी प्रे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और आपके कौन है सेंटा क्लॉज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चार गिफ्ट रिपीट कर दिए। जल्दी क्यों सो रहे हो? गिफ्ट जल्दी सोने से गिफ्ट मिलती है। इतने भ्रम क्यों पाले हुए आपने? हमारे टाइम तो सेंटा आते नहीं थे। नहीं मैं भी मांग लिया करो सेंटा से कुछ, क्या ताकि आपकी मांग पूरी हो जाए। मेरी कोई मांग नहीं है, जो है मैं तो उसी में हैप्पी रहती हूँ। मांगे तो आपकी हैं, सरप्राइज गिफ्ट भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मुझे क्या पता है एक्स्ट्रा गिफ्ट की आपकी डेफिनेशन। क्या आप योगा कर रहे हो क्या? हाँ। ओ माय गॉड कैसे खतरनाक आसन करते हो। आसन भी है पर वो मैम ने कहा घर पे मत कर। क्या होता है शीर्षासन? वो जो हेड नीचे रख के ना भैया मत करो ना ना कर नहीं नहीं जरूरत है, मेरे को डर लगता है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, करा क्लास में, योगा क्लास में आपने तो उसमें सिर में, उसमें सिर में यहाँ पे दर्द नहीं होता? नहीं तो बॉडी का वेट नहीं आता सिर के ऊपर, थोड़ा सा जाता है, मैम पकड़ लेती है ऊपर से पैर ताकि बैलेंस बना रहे। अच्छा और कोई इसमें से हिल के ऐसे नहीं होना होता, बस ऐसे एक जगह पे रहन दो भाई, रहन दो नो नीट। अरे रहन दो। ऐसा भी कोई आसन होता है क्या जिसमें मतलब बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मैनर्स आ जाते हो, ऐसा कोई आसन होता है मैनर्स आसन? नहीं। हाँ तो ऊपर बैठो, नहीं आप बैठो जरा, नहीं नहीं आप ऊपर बैठो ना, ये कह रहे इसमें क्या है ये आसन? अभी तो और भी है, ये यही सिर खाली नहीं है। हाँ और भी है दिखाओ। पहले मैं भी कर लेता हूँ बचपन में अपने। ओह तुम दिखाओ क्या किया, ये तो उठे ही नहीं, ये तो उठे नहीं है बैठ में तो बताओ ये तो बैठ गया, ये तो हम भी कर ले, उठो भी तो सही। ये कर पाओगे देखो दिखाओ, उठाओ ऐसे अपने दो, पहले सेट तो कर लो पैर को, ठीक है कैसे ये मुट्ठी से कर ऐसे ऐसे खाओ, कर तो लेते हैं, कर लिया उन्होंने। ये सामान वगैरह देख लो आप, समझा लो अपना। ओए हाय लोग शीशे में देखो आप, ये खुद पीछे हो जाओ, पहले पीछे हो जाओ, पीछे अपना शीशे में आप खुद देख लो कि आप कितनी बुरी तरीके से कमर मटका रहे हो। और व्यूअर्स काफ़ी बारी पूछ रहे हैं कि हेल्दी ड्रिंक में आप क्या डालते हो, तो इसके अंदर मैंने डाला था जीरा, काली जीरी, अजवाइन और मेथी दाना का मिक्सचर, एक एक चम्मच मैंने दोनों ग्लासेस में सोप करके रख दिया था, एक विनायक के लिए और एक मेरे लिए, और मॉर्निंग में इसको थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं और खाली पेट इसको पी लेते हैं। फाइनली आज का बिजी लेकिन बढ़िया सा दिन हुआ क्लोज, और कल है क्रिसमस, नीर का क्रिसमस ट्री भी रेडी है, तो बस बहुत एक्साइटेड है वो कि कल क्या मिलने वाला है उसको। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।